अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको गाड़ियों की शिपमेंट्स के हवाले से एक अपडेट दे दूँ कि जापान में गाड़ियों की शिपमेंट्स लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, रोरो पे भी और कंटेनराइज भी, ठीक है। और जो रोरो अभी शेड्यूल हुए हैं वो एक 24 सितंबर को है, एक 26 सितंबर को है, एक 28 सितंबर को है। तो ये तीन रोरो जो हैं वो अभी शेड्यूल हुए हैं जापान से, मगर कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें NYK का भी है, शरफ का भी है और के लाइन का भी है। तो ये जैसे ही कंफर्म हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि क्या डेट में ये वहाँ से सेल हुए हैं। मगर जो फ्रेट चल रहा है अभी रोरो वेसल्स का, वो $100 प्लस CBM चल रहा है, ठीक है। यानी कि कोई 105 चार्ज कर रहा है, कोई $110 चार्ज कर रहा है पर CBM, ठीक है। जबकि अगर आप कंटेनराइज शिपमेंट की बात कर रहे हैं तो जो कंटेनर 40 हाई क्यूब का कंटेनर है उसका जो फ्रेट चल रहा है वो अराउंड मर्क्स लाइन का जो चल रहा है $22,000-$23,000 चल रहा है, ठीक है। उनके $2,200-$2,300 मर्क्स लाइन का चल रहा है। और वन हाई का जो फ्रेट चल रहा है वो अराउंड 25-26, कोई कोई 2700 चार्ज कर रहा है डॉलर, ठीक है। मगर यहाँ आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, मर्क्स लाइन की जो शिपमेंट्स होंगी वो पाकिस्तान में लोकल टर्मिनल्स पे या योकर यार्ड्स पे DSTF होगी, जबकि वन हाई में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको KPT ईस्ट वार्क या वेस्ट पार्क में ऑफलोड या DSTF करवा सकते हैं। तो मेरा मशवरा होगा कि अगर आप कंटेनराइज शिपमेंट वहाँ से लोड करवा रहे हैं तो $200-$300 को ना देखें, आप तो वन आई के थ्रू कराएं। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका डैमरेज या जो भी वार्पेज है वो उसकी बहुत कम अमाउंट होगी अगर आप लोकल यार्ड में डिस्टर्ब कराते हैं, क्योंकि वो पोर्ट कासिम पे उनके वेसल्स लगते हैं सेफ मेरीन के में, और वो आपको बाहर ही मिलेंगे, यानी कि प्राइवेट यार्ड्स में आपको डिस्टर्ब करेंगे, या NLC होगा या पार्क शाइन होगा, और उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को लोडिंग करवानी हो, ठीक है, अपनी कार्स की जापान से, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट में मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।